तेजस्वी जी सबसे पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर लें। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मोटे हो रहे हो तो पसीना बहा रहे हैं, अच्छी बात है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं IVTV। पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। एक एक करके विधायक जो है जा रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी लगातार सुबह से ही जो विधायक हैं वो अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी मतदान करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उन्होंने NDA के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है और साथ ही उनकी जीत का दावा भी किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। हम लोग वोट डाल दिए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 60% से ऊपर वोट लेकर वो चुनाव जीत रही हैं। एक आदिवासी परिवार, पिछड़े परिवार की लड़की और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठेंगी, ये गर्व की बात है। और आज हमारे उपराष्ट्रपति का भी नामांकन है और ये जो समीकरण रह गया तो 24 में 400 वोट से 400 सीट से ज़्यादा से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार होंगे, इसलिए आज बड़ा खुशी का दिन है हम लोगों का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति तेजस्वी जी सबसे पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर लें, उसके बाद उनके बात का कोई नोटिस लेगा। ये 13 करोड़ के जनता में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थे और वो मैट्रिक भी पास न कर सके, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देना अच्छी बात नहीं। उनकी बातों को नोटिस करते हैं, कैसे नोटिस करेंगे? IA BA MA इस देश में देखते हैं घूम रहा है, शिक्षा भी एक बहुत बड़ी जरूरत है ना। कल क्रिकेट खेल रहे थे वो अपने घर पर, क्रिकेट खेलते हुए वीडियो। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मोटे हो रहे हो तो पसीना बहा रहे हैं, अच्छी बात है। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं दिया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि यशवंत सिन्हा इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन द्रौपदी मुर्मू आखिर इंटरव्यू। अच्छा, वो हारने वाला वैसे ही इंटरव्यू हल्ला ज्यादा करता है, हारने वाला परंपरा है राष्ट्रपति। ये कोई इंटरव्यू क्यों देंगी? वो आई थी हम लोग के बीच में, भाषण दी कि नहीं दी? हम लोगों के बीच में वो भाषण दी कि नहीं? वो शिक्षिका थी, वो विधायिका थी, राज्यपाल थी। आप एक दलित और आदिवासी परिवार से हैं और भारत के सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर के विराजमान हो रही हैं, इसलिए भारत के करोड़ों परिवार के आशा का केंद्र बने हैं। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि द्रौपदी मुर्मू ही इस बार राष्ट्रपति बनने वाली हैं और वो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं जूली, धन्यवाद।